हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड अभ्यर्थी अपने आप को पीआरटी में शामिल कराने के लिए कंटिन्यू प्रयासरत हैं। जगह जगह पूरे देश में धरना प्रदर्शन भी हो रहा है कि किसी भी तरीके से एनसीटी चाहे अपनी गाइडलाइन बदले, नया अध्यादेश लाए या कुछ भी करे, लेकिन बीएड वालों को उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें पीआरटी में शामिल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारी बात केंद्र सरकार तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक आखिर पहुँचे कैसे, क्योंकि जब तक बात केंद्र सरकार तक नहीं पहुँचेगी तब तक इसका सटीक सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो इसी को लेकर के आज लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन हुआ, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से और शांतिपूर्वक हुआ। ठीक है, उसमें क्या रहा, उसका सोल्यूशन, कंक्लूजन, निष्कर्ष उसका ये निकला कि जो विजयकरण आनंद हैं उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कल एनसीटी की मीटिंग में जा रहे हैं, एमएचआरडी की मीटिंग होगी। ठीक है, उसमें हम बीएड अभ्यर्थियों की बात को रखेंगे कि जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से पीआरटी में शामिल किया जाए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नया ऑर्डिनेंस पास कराया जाए। तो ये उन्होंने आश्वासन दिया कि कल हम एनसीटी की मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ हम आपकी बात को पहुँचाएंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक बीएड अभ्यर्थियों की बात कैसे पहुंचे। जब तक बात वहां पहुंचेगी नहीं तब तक सटीक सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात, जितनी संख्या में आशा थी कि बीएड स्टूडेंट्स लखनऊ में पहुंचेंगे धरना प्रदर्शन के लिए, उतनी मात्रा, उतनी संख्या में वहां पे स्टूडेंट्स मौजूद नहीं हो पाए। हालांकि जितनी संख्या थी एनफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम थी। जितने पूरे उत्तर प्रदेश में 13 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं, उसमें से मुझे लगता है वहाँ 200 से 250 स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचा, और लेकिन संख्या कम थी। अगर हमें अपनी बात आगे तक पहुँचानी है तो एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तभी हम अपनी बात को आगे तक पहुँचा सकते हैं। तो एनसीटी की मीटिंग कल, जो विजयकरण आनंद हैं वो जाएंगे, वहाँ एनसीटी की मीटिंग है जिसमें वो बीएड अभ्यर्थियों की बात को रखेंगे। देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच।